हेलो दोस्तों, आ गए हैं दोबारा हस्बैंड एंड वाइफ कुकिंग। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही स्पेशल ड्रिंक। ये ड्रिंक स्पेशली एक मैक्सिकन या कैरिबियन ड्रिंक भी है, इसको कहते हैं पीनिया कोलाडा। यूजली ये जो बनती है ये अल्कोहल के साथ बनती है। आपका जो भी फेवरेट अल्कोहल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वोडका, रम, आपको जो भी अच्छा लगता है। बट हम ये जो बना रहे हैं आज ये ड्रिंक, ये बिना अल्कोहल के बना रहे हैं। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो तीन दो ही होती हैं बेसिकली। तीसरी तो शुगर है, वो नॉर्मल आपका ऑप्शन, आप डालें ना डालें। बट ये जो मेन इंग्रेडिएंट है इसकी है, ये है अनानास, जिसे हम कहते हैं पाइनएप्पल। और ये है फुल फैट कोकोनट मिल्क। ये आप देख रहे होंगे एक बोल में जो वाइट लिक्विड नजर आ रहा है, ये कोकोनट मिल्क है। तो यहाँ हमने लिया है अराउंड 12 पॉन्स के करीब कोकोनट मिल्क, और ये 3 कप्स ऑफ अनानास पाइनएप्पल जो लिया। ये थोड़ा सा स्वीटी पाइनएप्पल है, ज़्यादा टैंगी नहीं है। अगर आपका पाइनएप्पल ज़्यादा टैंगी है तो आप और ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून शुगर ली है, जो हमारे टेस्ट के अनुसार है। अगर आप चाहें ज़्यादा स्वीटी ड्रिंक चाहिए तो आप थोड़ा सा उसमें और शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा टैंगी और स्वीट चाहिए तो इसलिए हम इतनी ही शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं। आप कोई भी इसमें फेवरेट आप स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हनी हो गया, जैसे कि अगावे हो गया, या कोई और भी स्वीटनर, वाइट शुगर होगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस बहुत सिंपल है रेसिपी। हम इसको इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे ब्लेंडर में और उसको मिक्स करना शुरू करेंगे। तो अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मिल्क डालेंगे, ये कोकोनट मिल्क, आप सारा मिल्क ही डाल सकते हैं। और इसमें फिर डालेंगे हम ये पाइनएप्पल, फ्रोजन पाइनएप्पल है। तो अगर आप फ्रोजन पाइनएप्पल यूज कर रहे हैं तो आपको आइस यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रोजन नहीं यूज कर रहे हैं और आप फ्रेश यूज कर रहे हैं तो आप इसमें आइस क्यूब डाल के आप इसको टर्न कर सकते हैं। बट सिंस वी हम यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रोजन पाइनएप्पल यूज कर रखे हैं, जो भी आप फ्रोजन फ्रूट्स यूज करते हैं तो उसमें आपको आइस की जरूरत नहीं है। अब इससे बाकी शुगर डाल देंगे और हम इसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे शुरू करेंगे, और ये जो अगर आपके पास ये पाउंड करने वाला ये स्टिक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे पास है तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं। मशीन स्टार्ट करेंगे और तो धीरे धीरे से पाउंड करना शुरू करेंगे। जहाँ पे देख लिया है बहुत ही रिच मिल्क है, तो आपने देखा होगा ये थोड़ा सा थिक हो गया। तो हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा लिक्विड ही बन जाए, मतलब ज़्यादा ये स्मूदी की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और शायद मैंने पहले हीट बोला था, तो हीट नहीं, हीट की जगह स्पीड था, सॉरी। वो कुकर नहीं याद है तो ज़्यादातर वो हीट हीट ही निकलता है, तो स्पीड है ये इसके मिक्सी के लिए स्पीड है। तो ये आप पानी मिला दिया, इसको दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो कुछ सेकंड तक ही चलाना बस, हमने डिपेंडिंग आपकी मशीन के ऊपर है, यहाँ पे इसको 1 मिनट के करीब ये चलाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। सारे लोग इसके अंदर क्या कहते हैं पाइनएप्पल जूस यूज करते हैं, पाइनएप्पल, या कई लोग उसके अंदर ऑरेंज जूस भी यूज करते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। पाइनएप्पल जूस के अंदर नहीं बनता है, यूजली पाइनएप्पल जो होल होता है उसी से बनता है। तो बस हम इसको, ये तैयार है, आपने देख लिया, ये लिक्विड थोड़ा सा हो गया है और इसको हम सर्व करेंगे।
ये देखिए ये रेडी है, बस हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ हमने ग्लास ले लिए, एक स्ट्रॉ ले लिए है, और इसको हम बस सर्व कर देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। एंजॉय द कैरिबियन ड्रिंक विद नो अल्कोहल इन इट। बहुत ही शानदार ड्रिंक है, इसको आप पियेंगे तो आपका जो गर्मी का जो मौसम है उसमें अगर आप ये पियेंगे तो आप एकदम कूल डाउन हो जाएंगे। इसको पीने में खट्टा मीठा और ये जो ये मिल्क कोकोनट मिल्क का जो टेस्ट है ये आपको एकदम चेंज कर देगा। ये देखिए रेडी है पीने के लिए और अब हम इसको पियेंगे और एंजॉय करेंगे। ये थोड़ा सा व्हाइटिश है क्योंकि थोड़ा सा ये जो हमारा मिल्क था व्हाइट था। आपको कलर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट पूरा इसमें आपको अनानास और पाइनएप्पल का आएगा ही आएगा। तो बस एंजॉय करिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए और रिंग बटन दबाइए और साथ में ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोबारा मिलते हैं आपसे, ठीक है। एंजॉय करके बताइएगा कैसा लगा आपको।